Okay, well, so today we will start the next topic of this unit, that is the dispersive power of a grating. Dispersive power of a grating is basically rate change of angle with respect to the wavelength. यानी कि जो एंगल है ग्रेटिंग का, दैट इज थीटा, इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन वेवलेंथ, यानी डी थीटा ओवर डी लैम्डा. तो ये आपकी डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग है, रेट चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो भी है आपकी उसके रिस्पेक्ट. अब हम बात करेंगे कि ये एंगल है वो कैसे वेरी करता है. लेट्स से इसका छोटा सा डेरिवेशन भी है आपके कोर्स में, तो और आपके न्यूमेरिकल भी इस पे आपको मिलेंगे, तो समटाइम्स इट विल बी अपियर इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो. और लास्ट टू लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा भी गया था विद वन न्यूमेरिकल. अब थीटा की वैल्यू यहां से आप देखिए क्या है. थीटा, आई एम जस्ट एज्यूमिंग थीटा वेरी कर रहा है, तो पहले मैंने थीटा एज्यूम किया. लेट्स से थीटा इज थीटा वन एंड थीटा टू आर टू डिफ्रेक्शन एंगल्स, इनके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लेट अस अज्यूम लैम्डा वन एंड लैम्डा टू. तो डिस्पर्सिव पावर क्या हो जानी चाहिए, थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू, या डी थीटा ओवर डी लैम्डा. दिस इज नोन एज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ दैट ग्रेटिंग, जिसके लिए आप ये कंसीडर कर रहे हैं. अब मैं यहां से सिंपल बात करता हूं. फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा, यू नो द कंडीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा क्या है, ई प्लस डी इक्वल साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा. ई प्लस डी ग्रेटिंग एलिमेंट है, थीटा आपको बताई दिया, लैम्डा वेवलेंथ है. अब आप इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो दैट विल बी ई प्लस डी कॉस थीटा इक्वल्स टू एन डी लैम्डा अपॉन डी थीटा. अब मुझे चाहिए रिवर्स, डी लैम्डा ओवर डी थीटा. सो जस्ट टेक द इनवर्स ऑफ द अबव, सो दिस बिकम्स डी थीटा अपॉन डी लैम्डा इक्वल्स टू एन अपॉन एन. यहां से भी आपका ये जाएगा, ये थीटा इधर गया और ये लैम्डा नीचे आया. ये थीटा डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में गया और ये डिनोमिनेटर में आया. अब एन यहाँ न्यूमरेटर में हो जाएगा और ये इसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो एन अपॉन ई प्लस डी कॉस. सो दिस इज बेसिकली डिफाइंड एज दी डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग. बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, समटाइम्स इट विल अपियर इन योर एग्जाम और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और न्यूमेरिकल्स भी इस पर आपको मिलेंगे. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, इट इज ऑल्सो नॉट टू मच लार्ज, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. ये एग्जाम में दो नंबर में भी आपका पूछा जाता है, और इसका एक रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ग्रेटिंग, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, वो भी हम इसको कवर करेंगे. बट उससे पहले हम देखेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट क्या है. रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइन इज द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू रिजॉल्व द टू क्लोज ऑब्जेक्ट, टू रिजॉल्व द टू, दो बहुत ही क्लोज ऑब्जेक्ट को क्या है, रिजॉल्व करने की जो एबिलिटी है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, दैट इज डिफाइंड एज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. इसकी वैल्यू क्या होती है, वन ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होती है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, वो छोटे से छोटा एंगल जिस पर आप क्या है, दो ऑब्जेक्ट को जस्ट रिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व मतलब बिल्कुल पास है, आपने कह दिया इस एंगल पे, हाँ ये दीज टू ऑब्जेक्ट आर जस्ट रिजॉल्व, वो एंगल छोटे से छोटा एंगल. तो एक रैलीज वाज साइंटिस्ट फिजिसिस्ट जिन्होंने एक अपना क्राइटेरिया दिया इन केस ऑफ डिफ्रेक्शन, और ये आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उस केस में हम देखते हैं. तो अकॉर्डिंग टू रैलीज क्राइटेरिया के टू सोर्स आर रिजॉल्वेबल, कब क्राइटेरिया बताया कि कब वो रिजॉल्व हो सकते हैं और कब वो रिजॉल्व नहीं होंगे. तो पहला उन्होंने कहा कि टू सोर्स आर रिजॉल्वेबल, कब रिजॉल्व होंगे, बाई एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. दो चीजें कब रिजोल्व होंगी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वेन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन, पहले का सेंट्रल मैक्सिमा फॉल्स ओवर द मिनिमा ऑफ अदर, मतलब पहले का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पर लाई करे, तब वो, या दूसरे का मिनिमा आप ये भी कह सकते हैं, दूसरे का मिनिमा पहले के सेंट्रल मैक्सिमा पे लाई करे, या दूसरे का आप कह सकते हैं सेंट्रल मैक्सिमा पहले के मिनिमा पे लाई कर जाए. जैसे यहां क्या हो रहा है, पहले का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे लाई कर रहा है. आप देखिए ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा जाके लाई कर रहा है, यहां पर ये सेंट्रल मैक्सिमा देखिए ये है सेंट्रल मैक्सिमा जाके, ये सेंट्रल मैक्सिमा जाके यहाँ इसके मिनिमा पे लाई कर रहा है, ये यहां पर ये लाई कर रहा है. देखिए ये पहले का जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ये देखिए ये पहला, लेट्स से लेट अस अज्यूम कि यहाँ ये मैंने ये बना दिए, तो ये पहला हो गया, लेट्स से
लेमडा 1, और ये दूसरा हो गया लेमडा 2 आपने बनाया। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ, देखिए यहाँ ये मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा से ओवरलैप हो रहा है, ये मिनिमा इस सेंट्रल मैक्सिमा से ओवरलैप हो रहा है, यानी पहले का मिनिमा दूसरे के सेंट्रल मैक्सिमा से, दूसरे का मिनिमा पहले के सेंट्रल मैक्सिमा से, मतलब पहले का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे फॉल हो जाए या दूसरे का मैक्सिमा पहले के मिनिमा पे फॉल हो जाए, तो हम उन दो सोर्स को, दो ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दैट इज द केस ऑफ वेल रिजॉल्व, ये वेल रिजॉल्व केस है। अब दूसरे, जैसे मैंने पिक्चर में भी आपको दिखा रखा, इन द सेकेंड केस बहुत पास है। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैंने बनाया है, तो दिस डिफरेंस इज टू लार्ज, लेमडा 1 और लेमडा 2 में डिफरेंस काफी ज्यादा होगा, यहाँ लेमडा 1 और लेमडा 2 में डिफरेंस काफी कम होगा, दे आर जस्ट रिजॉल्व, लाई तो कर रहा है, यहाँ काफी वेल लाई कर रहा है, यहाँ क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट लाई कर रहा है, तो इट मीन्स दे आर जस्ट रिजॉल्व। बट यहाँ क्या है, यहाँ तो ऑलमोस्ट जीरो है, आप देखो दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, एक दूसरे से ओवरलैप हो रही है, तो ये केस जो है रिजॉल्व नहीं हो सकता। जैसे मैंने यहाँ कंडीशन लिखी भी है, पहले केस में क्लियरली आपको दोनों दिख रहा है क्योंकि मैक्सिमा लाई कर रहा है, और सेकेंडली आपको क्या है, वेवलेंथ स्मॉल है बट क्लोजर टू मैक्स 1, कॉन्साइड कर रहा है, क्लोजर है बट कॉन्साइड कर रहा है, तो इसलिए वो रिजॉल्व हो सकते हैं, जस्ट रिजॉल्व। थर्ड केस में आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो दैट इज द केस ऑफ द रिजॉल्व रेलीज क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन, ये आपका है, ये टॉपिक आपका हो गया, डिस्पर्सिव पावर हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ग्रेटिंग। रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ग्रेटिंग क्या है, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।